अभी कैमरे के सामने हूँ तो मैं थोड़ा वैसा रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक्चुअली ना अंदर से मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, मैं क्या बताऊँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कल वाले भी व्लॉग में आप लोगों को बोला, परसों वाले भी व्लॉग में बोला, लेकिन कल एकदम ही कन्फर्म मैंने बोला था कि एनी हाउ मैं आज के दिन रुद्राभिषेक वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगा। एंड मैंने कल ये भी बोला था गाइस कि 80% एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, तो जो पेंडिंग 20% था गाइस, मैंने वो 20% एडिटिंग कंप्लीट किया एंड अपलोडिंग के लिए डाला। ऑलमोस्ट वो वीडियो मेरा 6-7 GB का बन गया था गाइस, 7 GB के आसपास बन गया था जब अपलोड हुआ। तो वहाँ पे ऐसा जब कॉपीराइट का आता है ना, तो वहाँ पे पता नहीं क्यों, एंड लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये 181 व्लॉग है, आज तक किसी भी व्लॉग पे गाइस कॉपीराइट क्लेम आया ही नहीं। बिकॉज मैं वैसा कोई म्यूज़िक वगैरह यूज़ ही नहीं करता हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं करता हूँ जिससे कॉपीराइट क्लेम आए। बट हालांकि वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, एंड ये मेरा ब्लॉग चैनल है तो ये सब इस पर डिस्कस करना भी यूट्यूब गाइडलाइन के अगेंस्ट है गाइस। कॉपीराइट क्लेम गाइस तब आता है जब हम कोई म्यूज़िक एंड ऑल यूज़ कर लेते हैं, ये सब ब्लॉग चैनल में बोलना नहीं चाहिए। अभी मैं क्या बताऊँ, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने 7 से 8 घंटे पूरे मैंने सिर्फ रुद्राभिषेक का ब्लॉग अपलोड करने के लिए दिया, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब मेरा इतना, मैं अभी कैमरे के सामने हूँ तो मैं थोड़ा वैसा रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक्चुअली ना अंदर से मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हूँ। बिकॉज 7-8 घंटा गया तो गया, वो कॉपीराइट क्लेम भी आएगा इस, तो मैंने उसको भी मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको भी मैंने कट किया और उसके बाद फिर से अपलोड किया। वो बारी ये वाला रुद्राभिषेक वाला व्लॉग अपलोड किया गया इस, बट सेकेंड टाइम में भी कॉपीराइट क्लेम एंड वही इशू वापस से शो कर रहा था। तो उसमें कुछ 8-10 सेकेंड का मतलब प्रॉब्लम दिखा रहा था, तो उसको फिर से मैंने कट किया। एंड ये देखिए 8:16 हो रहा है गाइज अभी, एंड मैं ऑलमोस्ट, पता है मैं व्लॉग कितने बजे से अपलोड कर रहा हूँ, मतलब मैंने 12 के बाद जो पेंडिंग मेरा एडिटिंग था मैंने उसको शुरू किया, एंड 3 बजे मैंने व्लॉग अपलोडिंग पे डाला, 6-7 GB का था। तो नेट के थ्रू कर रहा था, बिकॉज वाईफाई नहीं है घर पे, तो मैं अपने नेट के थ्रू कर रहा था गाइज। सो जिसके वजह से ऑलमोस्ट 5-10 के आसपास कुछ व्लॉग अपलोड हुआ, एंड फिर वैसा आ गया जब कॉपीराइट क्लेम। तो सेकेंड टाइम मैंने जब वो कट करके डाला तो फिर से वही सेम इशू शो करने लगा, तो मैं मतलब परेशान हो गया। एंड अभी 7-7:30 बज गया, मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा था। बहुत लोगों ने तो कॉल करके बोला भी कि मतलब कब अपलोड होगा, मैसेज भी कर रहे थे। सो मुझे पता है कि मतलब स्पेशली फैमिली मेम्बर्स तो बहुत वेट कर रहे गए रुद्राभिषेक के व्लॉग का, बिकॉज चाची के घर वाला रुद्राभिषेक सब लोगों ने देखा, मतलब इस वाले भी घर का देखना है लोगों को, बट ये इशू हो गया। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत फेस कर रहा था, इतना ज़्यादा मेरा हेडक हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट 7-8 घंटे चले गए गाइस। बट मन में यही सोचा मैंने कि ये स्टार्टिंग स्टेज है, होता रहता है, मतलब सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, मे बी कोई ऐसे रिवील ना करता हो गाइस, बट मैं भी व्लॉग का चैनल है एंड मेरे माइंड में सब चीज़ें चल रही हैं। सो जिससे मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, और अभी वो व्लॉग भी थोड़ा सा बड़ा है गाइस कंपैरिजन टू अदर व्लॉग, तो वो व्लॉग थोड़ा सा बड़ा है जिसके वजह से मैंने सोचा अगर अभी मैं 8 बजे अपलोडिंग पे डालूंगा 10:30 बज जाएगा, जिसके वजह से मैंने सोचा वो वाला व्लॉग कल मॉर्निंग में गाइस शार्प 11 AM वो वाला व्लॉग मैं अपलोड कर दूंगा, 12 भी नहीं बजेगा, 11 बजे कुछ भी करके वो वाला व्लॉग मैं अपलोड करूंगा। आज ही मेरा खुद इतना मन था ना, बिकॉज मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि मतलब एडिट हो गया है, तो बोल रहे हैं दिखाने के लिए, बट मैंने बोला कि नहीं मतलब अपलोड होगा तो डायरेक्टली देख लो, बट फिर से यही सेम चीज़ हो गया। एंड होता है गाइज, मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि एक होता है ना कि जब तक हम लोग जानते नहीं है, वो चीज़ें करते नहीं है, हम प्रैक्टिकल नहीं होते ना, हमको लगता है चीज़ें बहुत ईजी है, सच बता रहा हूँ। जैसे मैंने भी बहुत व्लॉगर्स हैं ना जो डेली व्लॉग्स करते हैं, लिटरली बताऊँ तो मैं किन से इंस्पायर हुआ था आप लोगों को पता ही है, तो बहुत लोग जो डेली व्लॉग करते भी थे ना, हम लोग सोचते थे कि मतलब क्या ही टाइम जाता होगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने इसको बनाना शुरू किया, इसकी गहराई में जाना मैंने शुरू किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में जितना चीज़ें हम ईजी समझते हैं गाइस उतना चीज़ें ईजी नहीं होता है। एंड अभी भी मुझे तो सही बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब की अभी भी जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है गाइस, लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं है, और आइडिया नहीं होने के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। एंड जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके बाद ही हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन मिलने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ही नहीं करते। मे बी प्रॉब्लम भी आया हो तो सिर्फ इसीलिए कि मैं ये सॉल्यूशन भी जान पाऊँ, अदरवाइज प्रॉब्लम आता ही नहीं, कंटिन्यू ऐसे चलते रहता, तो अच्छा है कुछ पता तो चला मतलब किन किन चीज़ों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आगे से तो मुझे गाइज पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। ऑलमोस्ट गाइज
8:19 हो ही रहा है, टाइम तो मैंने दिखाया आप लोगों को। तो अभी ये वाला जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इसको मैं एडिट करके फिर अपलोड करूँगा, तो ये वाला भी व्लॉग आने में ऑलमोस्ट एक घंटा जाएगा ही जाएगा। बिकॉज चलिए ये तो मैं एक ही जगह पे बैठ के कंटिन्यू वाला व्लॉग कर रहा हूँ, बट रुद्राभिषेक वाला व्लॉग ना गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वो अगर मैं अपना पूरा वो टाइम बताऊँ ना गाइस, पूरा व्लॉग मैंने कितने टाइम में एडिट किया, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे। मे बी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो, एंड उन लोग शायद मेरी बात सुने तो उनको लगे कि नहीं, बट सच मैं सच बताऊं, मुझे ये पूरा मतलब पूरा का पूरा जो मुझे व्लॉग एडिट करने में रुद्राभिषेक वाला ना गाइस 5.5 से 6 घंटे गए हैं। क्यों गया है वो कल आप लोग व्लॉग देखोगे गाइस तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड अगर जिसको समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं बता दूंगा। फिर मैं सच बता रहा हूँ गाइस, मैंने मतलब पूरा का पूरा मुझे ना 5.5-6 घंटे गए वाला व्लॉग एडिट करने में। एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज 2 दिन ऑलरेडी व्लॉग डिले हुआ था एंड आज भी व्लॉग डिले हो गया है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम। बट मुझे पता चल गया गाइस किस इशू से ये सारी चीज़ें हुई, तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना हो एंड मैं प्रॉपरली मतलब आप लोगों को ऑन टाइम मैं अपना व्लॉग भेज सकूँ। सो गाइस फाइनली बस आज के लिए इतना ही, एंड मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सभी लोगों से कि कल मॉर्निंग में व्लॉग 11 बजे रुद्राभिषेक का अपलोड हो जाएगा। बिकॉज लिटरली मैं खुद वो चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था, एंड मुझे ऐसा था कि मतलब सब लोग देखो बिकॉज कंटिन्यू घर से भी, घर वाले भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एंड आप लोगों के पास जिन लोगों के पास नया जाएगा ये व्लॉग, होप्स हो कि आप सबका प्यार और सपोर्ट बहुत मिले रुद्राभिषेक वाले व्लॉग को। कॉपीराइट क्लेम अगर नहीं आता तो मैं 100% आज व्लॉग इवनिंग तक मैं डाल देता था, सच बता रहा हूँ। बट कॉपीराइट क्लेम आ गया, मुझे उसका आइडिया नहीं था, तो मुझे लेकिन पता तो चल गया एटलीस्ट किस इशू से आता है। सो नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए पूरी तरह से अवेयर रहूंगा। सो गाइज फाइनली आज के लिए इतना ही, तो गाइज मैं करता हूँ अपने व्लॉग का यहीं पे एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय। अभी तो इसको एडिट करना है गाइस, फिर अपलोड भी करना है, आप लोगों तक पहुंचाना भी है, वेट भी करते रहोगे आप लोग।